रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र में चार हाथियों की मौत हो जाने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में हाटी सर्कल में कक्ष क्रमांक 555 में पीएफ कोल्या हामुड़ा में एक हाथी की मौत हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि धरमजयगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चार चार हाथियों की मौत हो जाने के यहाँ तक उनके शव सड़ गल जाने के बाद वहाँ के अधिकारियों को पता नहीं चलता था। धरमजयगढ़ के रेंजर आत्मसाह किंडो और भुवनेश्वर मर्स कोले तो इतने निष्क्रिय हैं कि ये लोग अपने अपने रेंजों का सतत दौरा नहीं करते और विश्राम गृह में आराम करते नजर आते हैं। वनमंडला अधिकारी अभिषेक जोगवत और धरमजयगढ़ वनमंडल में तो पिकनिक मनाने आए हुए, उनको तो ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ हाथियों को इतने हैवी करंट से मारे गए हैं कि उनका शरीर में निशान पड़ गए हैं। जब हमारे प्रतिनिधि जंगल अंदर जाने के लिए गए तो वहाँ के अधिकारियों द्वारा अंदर नहीं जाने दिया। दाल में कुछ काला है तब तो अंदर नहीं जाने दिया। इस विषय में मुख्य वन संरक्षक को शिकायत की तो उनके द्वारा आज दिवस तक ना तो रेंजर और ना तो वनमंडल अधिकारी अभिषेक जोगवत के ऊपर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए। तीन माह के भीतर चार हाथियों की मौत के जिम्मेदार वनमंडला अधिकारी अभिषेक जोगवत की इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी मुख्य वन संरक्षक वनमंडला अधिकारी अभिषेक जोगवत को दामाद बनाकर बैठाए हुए हैं।